उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में सिटी मजिस्ट्रेट जेएन सचान की अगुवाई में खाद्य विभाग ने पूरे दिन होली के त्योहार के मद्देनजर मिठाई के दुकानों पर छापेमारी की। वहीं छापेमारी में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई, खोए एवं गुजिया के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। वहीं छापेमारी की कार्रवाई से मिठाई के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं खाद्य अभिहित अधिकारी आर के दीक्षित ने बताया कि वे नगर के रोडवेज के पास स्थित दुकानों से खोए मिठाइयों एवं गुजियों के सैंपल इकट्ठा किए हैं। वहीं आज कुल 9 जगह से सैंपल इकट्ठा कर उन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि होली के पर्व पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री और कालाबाजारी को रोकने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। शहर में सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में अभिहित अधिकारी साहब के मौजूदगी में हमारी पूरी टीम थी खाद्य सुरक्षा की। हम लोगों ने बस स्टैंड से जो है अभियान शुरू किया। बस स्टैंड पर आनंद स्वीट हाउस, अश्वी स्वीट हाउस से जो है खोया और खोए की बर्फी का नमूना लिया गया। क्षीर सागर और श्री सागर से जो है खोए का नमूना लिया गया है। और राजवंती स्वीट हाउस से जो है खोए की गुजिया का नमूना हम लोगों ने लिया है। और 56 भोग से जो है खोए का नमूना लिया गया है। चंद्रज्योति से खोए का नमूना, बाबा स्वीट हाउस से खोए का नमूना। और अभी जो है कार्रवाई हमारी चल रही है प्रसाद स्वीट हाउस पर, इस पर हम लोगों ने छेने का रसगुल्ला लेकर के जांच के लिए भेजा है। इस प्रकार कुल 9 नमूने हम लोगों ने आज दिन भर में एकत्रित किए हैं और लगभग सभी दुकानदारों की दुकानों पर हम लोगों ने विधिवत अध्ययन निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ पाई गई हैं उसमें जो खाद्य पदार्थ जो हमको मिलावटी प्रतीत हुए हैं उसका हम लोगों ने नमूना एकत्रित किया है, लैब में जांच के लिए भेज रहे हैं। लैब से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे हम लोग इसकी विधिक कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत करेंगे और उनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत करेंगे। अखंड भारत न्यूज़ के लिए धीरेन्द्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, मऊ।